तो मिशन जापान पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो दिन जापान में, टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब से कुछ ही देर में भारतीय समुदाय टोक्यो में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी है और उससे पहले वहां मौजूद भारतीयों से एबीपी संवाददाता विकास भदौरिया ने की है खास बातचीत, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। इंपीरियल का ये हॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर में छक्का छक भर जाएगा। लोग यहाँ पर अभी पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, यहाँ तकरीबन 700 लोगों के बैठने का इंतज़ाम है। कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसको बहुत ही सीमित संख्या में किया गया है। यहाँ पर भारतीय समुदाय में ज़बरदस्त उत्साह है और इस ये देखिए पीछे मंच तैयार है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आएंगे और यहाँ पर भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। यहाँ देखिए बने ठने युवा पहुँचे हुए हैं, भाई अभी तो उम्र बहुत कम है, कुछ कर गुजरने का वक्त है। कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या प्रेरित करते हैं कुछ कर गुजरने बिल्कुल, को बिल्कुल हमारे लिए प्रेरणादायक है वो। आज इंडिया को इस लेवल पे लेके आए, जापान में सब हम इकट्ठा हुए, हम ज्वेलरी जवाहरात फील्ड से हम सब यहाँ पे, तो वो प्रेरणादायक है हमारे लिए। तो आपको आज की स्पीच से क्या उम्मीद है, क्या कहकर जाएंगे प्रधानमंत्री, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से मोदी जी यहाँ पर आए हैं तो जापान में बहुत नई जापान से कांटेक्ट करेंगे और हमारे देश के लिए बहुत यहाँ बहुत कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। जो जापान के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी इंडिया में हमें चाहिए, वो जापान के पास है और वो हमको एक तरह से फ्री के भाव में देने के लिए रेडी है, बिकॉज उनको पता है कि उनकी वो टेक्नोलॉजी अब यहाँ पर एकदम कोई काम की नहीं रही है, वो उन्होंने हर जगह पर उसको यूज़ ले लिया है। सर हम अजमेर ब्यावर से रहने वाले हैं, यहाँ 12 साल से जापान ही सर। सर यहाँ पे सर आज तक इतने प्राइम मिनिस्टर देखे हमने, तो सर मोदी जी से सर यहाँ पे आप किससे भी जापानी से पूछोगे मोदी जी और गांधी जी। जयपुर राजघराना कह रहा है कि साहब ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ पर है वो दरअसल वहाँ पर भगवान विश्वनाथ का मंदिर था, विश्वेश्वर का मंदिर था, वो उनकी संपत्ति है। क्या ये मामला यहाँ पर मैटर करता है? सर यहाँ पे मैटर करता है सर, मैटर करता है, लेकिन सर आस्था का विषय है तो वो अलग प्लेटफॉर्म पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये बहुत एक यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, मगर उनके साथ अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, और ये जो क्वाड है, और अभी आपने देखा होगा कोरोना की वजह से जो 2 साल से सप्लाई चेन में इतना ज़बरदस्त, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में इतनी मुसीबत आई है, उसके लिए हमें लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। पैसिफिक जो मीटिंग थी उसमें इस पर विस्तार से चर्चा भी हुई है, आप क्या करते हैं और प्रधानमंत्री को क्यों सुनने? जी हम यहाँ पे आईटी में काम करते हैं, मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। हम यहाँ पर इसलिए सुनना है बिकॉज मिस्टर मोदी हमारे सबके लिए एक प्रेरणा के स्वरूप हैं। हम सब भारत के अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, बट हम सब मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, आज हमको इसलिए यहाँ पे मिलने आए हैं। आप कहाँ से? सर मैं बनारस से हूँ और मुझे ज्ञानवापी का मसला बड़ा गर्म है। सर वो तो होना भी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, पर आज मैं मोदी जी को सुनने राय में तो जा रहा है, कमिश्नर कोर्ट कमिश्नर तक है। सर वो तो कोर्ट की बात है ना, अब हम लोग क्या टिप्पणी करें उसके ऊपर। हम लोग मोदी जी को सुनने के लिए इसलिए आए क्योंकि मोदी जी के पास एक विज़न होता है और इस बार वो जैसे हर बार जब आते हैं तो इकोनॉमिक विज़न भी होता है और एक कल्चरल विज़न भी होता है। कैसे हाँ सर, और जैसे कि मतलब इंडिया और जापान में कल्चरल रिलेशनशिप भी बहुत पुराने हैं और इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, तो ज्ञानवापी का मसला क्या यहाँ पर मैटर कर रहा है? मैटर करता है सर। कैसे? सर देखिए भारत की जो धरोहर है और बाबा विश्वनाथ की इतनी बड़ी जो पूंजी है हमारे पास, अगर वो बाहर आती है तो हमें भी बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, हम भी बता पाएंगे कि ये हमारी हिस्ट्री थी है जो अभी, और हम भी लोगों को यहाँ से ले जाएंगे, दिखाएंगे देखिए हमारे पास था और है। और ज्ञानवापी मंदिर का दर्शन करके आएंगे, सब लोग जाएंगे, ऐसे सब हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी हर महादेव। एक चीज देखिए, हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, बनारस से भी कुछ लोग हैं, काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी के मसले पर वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। यहाँ पर तमाम भारतीय समुदाय के लोग पहुँच चुके हैं। पल पल का अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर, कैमरामैन मान के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़ टोक्यो। बाबा, बाबा। पुणिया सिटी जानिए।
बुढ़िया सिटी। कुड़िया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कुड़िया सिटी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।